आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड एग्जाम 2022 के ऊपर। सबसे बड़ा डाउट आपका कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे, और सबसे बड़ा डाउट डेट शीट कब आएगी। यार डेट शीट को लेकर तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई क्या बताऊं। तो चलिए गाइज आज इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो गाइज मैं आपको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के अंदर एक भाई गया था, उसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम होते थे वो हर साल आपके होते थे मार्च के अंदर, लेकिन जब से कोरोना आया तब से उनका कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं रहा, कभी वो लेट होने लग गए, कभी जल्दी ऐसे चलने लग गए, ठीक है। यानी कि पिछले 2 सालों से सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। लेकिन इस साल की अपडेट की बात करें तो यहाँ पर थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, एक हरिभूमि न्यूज़पेपर है, आपने सुना होगा नाम, हरियाणा का फेमस न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक अपडेट आई थी जिसमें यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री साहब हैं उन्होंने बोला था कि बोर्ड के एग्जाम परिस्थितियाँ ठीक होने पर ही लिए जाएंगे, यानी कि सिचुएशन ठीक होने पर ही, सामान्य हालात होने पर ही आपके बोर्ड एग्जाम लिए जाएंगे। चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वो न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, ठीक है, अब ये अपने हरियाणा की ही है, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर साहब हैं, वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हालात सामान्य होने पर ही बोर्ड और अन्य परीक्षाएं ली जाएंगी, यानी कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि सिचुएशन जब यहाँ पर ठीक होगी तभी हम एग्जाम्स लेंगे। यानी कि गाइज यहाँ से कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया कि आपके एग्जाम तो होंगे, लेकिन होंगे कब, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। यानी कि गाइज कहीं ना कहीं जब तक यहाँ पर कोविड वगैरह की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं होती, तब तक एग्जाम लेने के बारे में जो गवर्नमेंट है वो नहीं सोच रही है, ठीक है। ये तो हो गई आपके फैक्ट्स की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और रिपोर्ट्स। तो देखो यार यहाँ पर जो सिचुएशन है अब उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एक बार फिर से जो केसेज हैं वो बढ़ने लग गए हैं हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी, ठीक है। यानी कि सिचुएशन है वो एक बार फिर से दोबारा से थोड़ी सी खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर से केसेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिपोर्ट्स की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो भाई गया था उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब वो भाई कौन था, तो वो यहाँ पर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मेरे कॉन्टैक्ट में है, और उसने क्या कहा मुझे, उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई मेरे ये गलती हो गई, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिए, तो मैं कैसे सही करवाऊँ। तो मैंने कहा कि भाई आप बोर्ड में जाओ, तो वो बोर्ड में गया था, ठीक है। और वो भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई एक बार कमेंट कर दें ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। तो उस भाई ने मुझे बताया कि भाई मेरी वो तो सही हो गई जो गलती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर बोर्ड में बात की थी तो वहाँ से मुझे पता चला है कि एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल होंगे, और कहा जा रहा है कि मार्च में ही लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि गाइज उस भाई ने मुझे बताया कि मार्च में ही एग्ज़ाम लेने की यहाँ पर उसको जो है अपडेट मिली है, ठीक है। अब वो किसने दी है, वहाँ पर क्लर्क वगैरह होंगे, उन्होंने बताया होगा, ठीक है। तो गाइज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बोर्ड है वो तैयारी यहाँ पर कर रहा है आपके एग्ज़ाम लेने की मार्च के अंदर, ठीक है। अब मार्च में कब लेगा, तो देखो यार मार्च में जनरली आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ मार्च के आसपास हो सकते हैं, या फिर मिड ऑफ मार्च के बाद हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं गाइज आपकी डेट शीट के ऊपर। डेट शीट का देखो यार ऐसा फंडा है, डेट शीट की अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, यानी कि मिड ऑफ मार्च में, यानी कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मार्च से हैं, मान लीजिए, ठीक है, कभी यही मान के बैठ जाओ कि 20 से हैं, भाई ने बताया था, मैं ओनली एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 20 मार्च से एग्ज़ाम है अगर आपके, तो आपकी डेट शीट है वो आती है आपके एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो डेट शीट है वो फरवरी लास्ट में फिर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि गाइज आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम से 20 या फिर 25 दिन पहले ही आपकी जो डेट शीट है वो बोर्ड रिलीज कर देता है, तो कहीं ना कहीं फरवरी लास्ट में आपकी डेट शीट है वो आ जाएगी, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और उसके बाद आपके फाइनल थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो उस भाई ने मुझे दी है जो कि अपना सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए बोर्ड में गया था, ठीक है। और मैं उस भाई से फिर से कहूँगा अगर वो वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट जरूर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए, ठीक है। सो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, यानी कि कहीं ना कहीं। और एक बात उसने और कही, ध्यान से सुनो सुनो यार सुनो, उसने कहा कि भाई बोर्ड में यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्ज़ाम ज़रूर लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कैंसिल वगैरह हो जाएंगे, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं है बोर्ड वालों के, ठीक है, उनका पूरा मन है एग्ज़ाम्स लेने का। हाँ वो बात दूसरी है कि भाई सिचुएशन ही ख़राब हो जाए तो फिर तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स हैं वो
मार्च में हो सकते हैं, और मार्च में भी मैंने आपको बता दिया है कि मिड के आसपास, ठीक है। और डेड सीट है वो यहाँ पर आपकी फरवरी लास्ट तक आ जाएगी। जैसे डेड सीट की कोई कन्फर्म अपडेट मिलती है आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।